हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 2023 में बिहार एसटीईटी की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उस संदर्भ में। जैसा कि आप सबको पता है बीएसईबी द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया वर्ष 2023 का, उसमें बिहार एसटीईटी भी शामिल है, यानी कि बिहार में फिर पुनः 2023 में जो है एसटीईटी की परीक्षा संभावित है। इसकी ऑनलाइन अप्लीकेशन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो भी शेड्यूल होगा वो आने वाले समय में और भी बताया जाएगा इसके डिटेल में, और किन किन विषयों में ये आयोजित होंगे इनका भी जो है आना निर्देश जो है ना बाकी है। लेकिन जो युवाओं में जो बीएड कर रहे हैं या बीएड पास स्टूडेंट्स हैं उनमें जरूर ये ऊहापोह की स्थिति होगी कि अगर एसटीईटी आती है, चाहे वो सभी विषयों में आए हो या फिर कुछ एक विषयों में हो, तो फिर उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम एसटीईटी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाए, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एसटीईटी का क्वालिफिकेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप बिहार में आप एज ए टीचर के तौर पर नियुक्ति चाहते हैं तो। भविष्य में प्रक्रिया क्या होगी एसटीईटी के उपरांत, एसटीईटी में आप जब क्वालिफाई करते हैं तो उसके उपरांत क्या फिर प्रोसेस होता है फॉर अपॉइंटमेंट, ये तो अलग बात है। लेकिन सबसे हमारा जो बिग इशू है यह कि हाउ टू क्रैक द एसटीईटी एग्जामिनेशन वर्ष 2023, तो इन चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। हम जो है आंकड़ा जो हमारे पास है, मतलब एसटीईटी 2019 के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एसटीईटी 2019 का क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हूँ, मैंने 9th 10th और 11th 12th दोनों ही साइंस कैटेगरी में हमने क्वालिफाई किया है। 11th 12th में मैंने बॉटनी से किया है, तो हमारे पास जो अनुभव है एसटीईटी 2019 को क्वालिफाई करने का, मैं उनके उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एसटीईटी 2023 के एग्जामिनी होंगे तो फिर आपके पास प्रिपरेशन करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर्वप्रथम आप सिलेबस को देखें, ये हो सकता है कि आने वाले एसटीईटी 2023 में ये शेड्यूल को, ये सिलेबस को चेंज कर सके या इसी को और भी रेक्टिफाई कर दे, मॉडिफाई कर दे, इसमें और कोई चीज़ को ऐड करे या कोई चीज़ को वो रिमूव करे, ये हो सकता है। लेकिन वर्ष 2011 एसटीईटी 2019 ये दोनों चीज़ों को आंकड़ा मिलाते हैं तो मोटा मोटी एक ओवरऑल यही रहेगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि इसमें कंपल्सरी पेपर जो है वो 50 कंपल्सरी पेपर में जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के बियरिंग होते हैं, मतलब इसमें कंपलसरी पेपर 50 मार्क्स के रहेंगे और 50 क्वेश्चंस भी रहेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, और ऑप्शनल पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे और 100 क्वेश्चंस भी रहेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में 1 अंक रहेंगे। नॉन निगेटिव मार्किंग है, आप इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है एसटीईटी 2019 में, लेकिन एसटीईटी 2023 में क्या प्रावधान रहते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो उस वक्त जब आएगा तो उसकी नियमावली में इन चीज़ों को दर्शाया जरूर जाएगा कि निगेटिव होगा या निगेटिव नहीं होगा। तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें से कि 50% जो है वो क्वालिफाइंग कैंडिडेट थे फॉर जनरल, और बाकी चीज़ों के लिए जो है SC ST या रिजर्वेशन PH के लिए कुछ इसमें 5% डिस्काउंट थे, 5% रिलैक्सेशन थे सॉरी। तो ये चीज़ों को जो है हमने सिलेबस में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो आपको कंपलसरी पेपर और ऑप्शनल पेपर आप इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कितना भी अगर सिलेबस को मॉडिफाई करेगा तो कंपलसरी पेपर हो तो ये तो इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है, रिमूव हो सकता है, बट ऑप्शनल पेपर से तो आपको गुजरना ही होगा, क्योंकि अगर आप सोशल साइंस के होंगे तो आप ये श्योर कीजिए कि आप अगर 9th 10th के होंगे तो आपको अपने विषय का जो है एग्ज़ाम हर हाल में देना ही है। एंड अगर आप साइंस से हैं और हाई स्कूल के टीचर बनना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चले कि साइंस में, जैसे कि अगर आप बायो कैटेगरी से हैं तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और फिजिक्स भी आपको एग्ज़ाम देने हैं, अगर मैथ के हैं तो फिर वहाँ पर मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के हैं तो फिर मैथ है और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये कॉम्बिनेशन है। आप ये मत सोचें कि अगर हम बायो के हैं तो हमको सिर्फ केमिस्ट्री और बायो के देने होंगे, ऐसा नहीं है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा फॉर द मैथ एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बट अगर बायोलॉजी के हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबको ये 9th 10th के लिए आपको अप्लीकेबल होंगे।
तो यहाँ पे ये चीज को क्लैरिफाई हो ले। एंड अगर आप 11 ट्वेल्थ के लिए हैं तो आपने जो एमएससी लेवल पे बीएससी लेवल पे जो किया है, जैसे मैं बॉटनी से एमएससी हूँ तो मैंने बॉटनी से वो क्वालिफाई किया, फिर जूलॉजी के, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वहाँ पे 11 ट्वेल्थ में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है वहाँ पे। तो हम ऑप्शनल पेपर की बात करेंगे इस वीडियो में, हम कंपलसरी पेपर की बात अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन हम ऑप्शनल पेपर की बात इसलिए करेंगे कि अभी इसकी चर्चाएं चूंकि होने लगी है और बीएससीबी के ये बैठ में बैठ चुका है कि अब हमको कैलेंडर के अकॉर्डिंग एसटीटी 2023 का परीक्षा लेना है, तो फिर आप अभी से अगर लग जाते हैं तो अभी 6 महीना हो या फिर जो भी हो समय इसमें लगे एग्जामिनेशन में, तो उसमें आपका एक जो ये ऑप्शनल पेपर है उसकी तैयारी आप अच्छे स्तर से कर पाएंगे। तो उसके लिए जो सबसे बेसिक स्टेप ये होना चाहिए कि आपका 9th 10th, जैसे कि मैं साइंस का ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा, अगर आप साइंस के एप्लीकेंट हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा हितकर होगा कि 9th 10th को तो आप अवश्य ही पढ़ लें और अप्लाइड चीज़ को पढ़ें। आप डायरेक्ट ऐसे जो है कविता की तरह या कहानी की तरह फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को नहीं पढ़ें, बल्कि उसका अप्लाइड बेस्ट पढ़े, जहाँ पे भी अच्छे पब्लिकेशन से बुक्स आपके माइंड में हो वो अप्लीकेशन पेज का बुक्स पढ़ें और अप्लीकेशन पढ़ें कि ये बायोलॉजी के ने इसको मैं इसको पढ़ने के बाद फिर अप्लाई किया है फिजिक्स का केमिस्ट्री का, एंड हो सके तो जो 9th 10th के जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं या ITJEE के जो बुक्स ऐसे होते हैं जो नीट को आधार मानते हुए बच्चों को ITJEE का आधार मानते हुए 9th 10th प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप 9th 10th के उन टाइप्स के क्वेश्चन जो बेस्ट होते हैं IT एंड नीट के पैटर्न पर 9th 10th के बच्चों के लिए, तो उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड साथ ही साथ आपका जो 9th 10th का जो लिंकेज होना चाहिए वो 11th 12th तक होना चाहिए। मान लीजिए आपने फिजिक्स है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ है, तो आप ये मान के चलें कि आप 9th 10th का जो अप्लाइड है जो कि IT एंड नीट के लिए अप्लीकेबल होते हैं, और 11th 12th मतलब आपका जो भी विषय हो 11th 12th तक लिंकेज हो और साथ ही कम्पिटिटिव बेस्ट हो, तो उससे क्या होगा कि आपका ऑप्शनल पेपर मजबूत होता चला जाएगा। तो बेसिक चीज़ के लिए आप 9th 10th के बुक्स को उठाएं और फिर उसका लिंकेज 11th 12th करें। और तीसरा जो आपको ये करना है कि आपका जो सिलेबस ऑप्शनल का होगा उसका जो स्तर होगा वो आपको नीट या IIT लेवल के होंगे, तो निश्चित तौर पे आपको ऑप्शनल पेपर में सफलताएं मिल पाएगी। आप 100 में अगर 90 ला लेते हैं 80 ला लेते हैं तो फिर 50 मार्क्स में भी आपको अच्छे 50 में आउट ऑफ 45 46 48 भी आ सकते हैं, तो ओवरऑल आपके परसेंटेज इसमें काफ़ी हाई होंगे, तो आपका रिजल्ट आप टीचर बनने में आपको सहूलतें होगी क्योंकि ये STT का मार्क्स जो है निश्चित तौर पे काउंट किए जाएंगे। तो ये ऑप्शनल पेपर का रहा, और बाकी चीज़ों के लिए अगर हम देखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको STT पढ़ना ही है, साथ ही साथ हो सके तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या मैथ के आप जो छोटे छोटे जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैं तो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के आप 9th 10th के 11th 12th के जो बेसिक प्रैक्टिस होते हैं उनको आप सॉल्व अभी से करें। उससे क्या होगा कि क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चल जाएगा कि भैया इस तरह के क्वेश्चंस भी 9th 10th में पूछे जाते हैं, इसको आगे बढ़ा के नीट एंड ITJEE के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो स्टैंडर्ड जो है ऑफ थिंकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट उस पर बढ़ेगा, साथ ही साथ आइडिया डेवलप होते चला जाएगा कि हाँ भैया आपका क्वेश्चंस का पैटर्न ये रहेगा, तो अभी से आपको मेंटली या प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। तो ऑप्शनल पेपर में आपको यहाँ पे बेनिफिट दिखेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपलसरी पेपर का 50 अंक का कैसे उसमें प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ ऑप्शनल पेपर का बात करें, बाकी के लिए हम STT 2023 में जैसे ही कुछ अपडेट्स होंगे मैं निश्चित तौर पे बिहार के बच्चों के लिए ये काम करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।